तो जय हिंद दोस्तों, आज है तारीख 18 जून 2021 और मैंने हमता पास जाने का प्रोग्राम बनाया है। ये मनाली से स्टार्ट होता है और 4 दिनों का ट्रैक है। तो यहाँ पर जाने के लिए हमें अपना खुद का सारा सामान ले जाना होता है, क्योंकि रास्ते में आपको टेंट या खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिलती। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं कि मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ, ताकि आपको, अगर आप कभी आगे ट्रैक पर जाएं, तो आपको पता चले कि आपको क्या क्या ले जाना होता है साथ में। तो सबसे पहले कि हमें रहना कहाँ है, तो उसके लिए हमें एक टेंट ले जाना जरूरी होता है। मैंने ये 3% टेंट लिया है, 3.5 किलो इसका वेट है और ये थ्री मैं साथ, परसेंट का क्या मतलब? मतलब इसमें तीन तीन लोग सो सकते थ्री हैं। परसेंट 3% टेंट है, मतलब इसमें तीन लोग सो सकते थ्री हैं। परसेंट ये मैंने डीकैथलॉन से लिया है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये हमारा स्लीपिंग पैड है, जैसे हम टेंट लगाते हैं तो कभी कभार वो हम बर्फों पर भी लगा देते हैं या नीचे पत्थर भी होते हैं, तो ताकि वो चुभे ना और ज्यादा सर्दी ना लगे, तो इसके लिए हमें नीचे एक स्लीपिंग पैड बिछाना होता है, ये वो है। और हमें हमें सोने के लिए एक स्लीपिंग बैग की भी जरूरत होती है। ये एक स्लीपिंग बैग है और ये हमारा -15 डिग्री तक चल सकता है, यानी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग है और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहाँ खाने पीने का भी खुद से आपको इंतजाम करना होता है। तो मैंने 4 दिनों के लिए जा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने ये सामान लिया हुआ है। जैसे मैंने 20 पैकेट मैगी के रखे हैं, 4 पास्ता रखे हैं। हमें ऐसा ही चाहिए जो मतलब बहुत जल्दी बन जाए, बिल्कुल रेडी टू ईट हो। और ये हमारे खानदान की बहुत मशहूर डिश है दाबड़ा, ये भी बहुत बहुत अच्छा चलेगी। ये बहुत हेल्दी होती है, बहुत हैवी होती है दाबड़ा, देसी घी की होती है, बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के होते हैं, बहुत गर्म होती है। और दूसरी बात है, अगर और कहीं पे बारिश हो जाए आप स्टोव ना जला सकें सपोज, तो आप हाँ, क्या खाएंगे? तो उसके लिए हम वहां से ब्रेड और बंद टाइप का भी कुछ ले लेंगे, कब वो मनाली से ही ले लेंगे। लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा, लेके वो जाओ। लेके जाएंगे, क्योंकि तो अभी यहाँ से ले जाएंगे तो ज्यादा वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, तो हम वहीं से ले लेंगे, पैटी पैटी शैटी शैटी सब वहीं से ले लेंगे। और जैसे सूप ले लिया है, ओट्स है, MTR का पोहा है, उपमा है, बिस्किट्स है और दाल मखनी है, छोले हैं। इसको पकाओगे? नहीं, ये रेडी टू ईट होते हैं, बस इन्हें हमें गर्म करना है और खा जाना है, बस इतना सा ही काम है इसमें। ठीक है, ठीक। और हमें चलते चलते हमें भूख लगती है, तो स्नीकर्स रखे हैं, टॉफीज रखी हैं और भी कई तरीके की चॉकलेट्स भी रखेंगे, वो भी रखी नहीं तो है। गैस तो होगी ना आपको? हाँ, गैस तो है। अब हमने अलग से स्टोव लिया है, ये ब्यूटेन गैस का स्टोव है, काफी कॉम्पैक्ट है, ये ट्रेवलिंग के लिए ही बना गया है। ये बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये बहुत ही छोटा है, आप कहीं भी रख सकते हैं। और इसके साथ इसके ब्यूटेन गैस के सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर 250 ग्राम का है, ये आपका कम से कम 2 घंटे चल जाता है। और मैंने 4 रखे हैं क्योंकि मेरा 4 दिन का ट्रैक है, और मैंने सोचा है कि मैं आगे अगर मतलब रोड खुली हुई तो मैं हो सकता है आगे और भी जाऊं, तो इसके लिए मैंने और भी रखा है। और फिर हमें कपड़े क्या क्या रखने होते हैं, हमें वहां पर काफी ऊपर जाने के बाद, ज्यादा हाइट पे जाने के बाद हमें काफी सर्दी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से हमें कम से कम एक एक लेयर स्वेटर की और एक हमें जैकेट की तो रखनी ही होती है, विंड शीटर टाइप का कुछ होना चाहिए। जैसे हमें ज्यादा वेट कैरी नहीं करना होता, तो जैसे 4 दिन का ट्रैक है, मैंने 2 सेट रखे हुए हैं और एक पहन लिया है, और उन्हीं में मैं आगे सारा कैरी कर सकता हूँ। कितना भार हो गया टोटल आपके पास? अभी मेरा 20 किलो के करीब हो गया है, आगे थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के 25 से कम ही रहेगा, इतना मतलब इतना तो मान लीजिए कि आपको चलना है। इसके लिए आपको बहुत फिट होना चाहिए, जैसे कि आपको कम से कम 2 महीने पहले रनिंग और स्क्वाट्स वगैरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप मतलब पूरी तरह से फिजिकली फिट हो जाएं। और फिजिकली के साथ मेंटली तो फिर होना ही पड़ता है, उसके लिए फिर आपको मेंटली तो फिर आप धीरे धीरे ध्यान वगैरह मेडिटेशन करने से हो ही जाते हैं, और आपको प्राणायाम जरूर करना होता है, क्योंकि ऊपर जाकर आपको ऑक्सीजन कम हो जाती है, परसेंटेज कम हो जाती है, तो फिर आपको उतनी ऑक्सीजन को खींचने के लिए आपको हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, तो आपको प्राणायाम वगैरह भी करना ही होता है। और दूसरी बात है, जब हम ज्यादा हाइट पर जाते हैं तो हमें एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो आइडियली 300 मीटर से ज्यादा ऊपर एक 24 घंटे में मतलब एलिवेशन गेन करने से ज्यादा मतलब वो
नहीं बनी होती है, तो इसके लिए आपको ज्यादा ज्यादा पानी पीना होता है। और अगर आपको AMS के कुछ सिम्टम्स आए तो आपको उसकी दवाई लेनी होती है, उसके लिए आप डाइमोक्स ले सकते हैं। और ऑक्सीजन की कमी हो तो आप लहसुन भी खा सकते हैं। आप दवाइयाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, मैं सारी दवाइयाँ लेकर जा रहा हूँ। लहसुन वगैरह ले लिया? हाँ, लहसुन वगैरह ले लिया है मैंने, और ये गर्म पट्टी भी रख ली है, सेवलॉन रख लिया है, कॉटन रख ली है, पेन किलर रख लिए हैं, क्रोसिन रख ली है, और सनस्क्रीन भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहां पर पूरा टाइम हम सूरज के नीचे ही चलते हैं, तो हमें टैनिंग भी हो सकती है। एक कंघी भी रख ली है मैंने, और कुछ भी ड्रेसिंग का थोड़ा सामान भी रख लिया मैंने। और वहां पर जहां मैं जा रहा हूँ वहां पर मतलब हिमालयन ट्रैक्स में बारिश होना आम बात है, तो वहां पर एक आपको रेनकोट भी रखना जरूरी है। ये मेरा रेनकोट है। और जब जब हम अपने टेंट को एक जगह लगा देते हैं तो फिर हमें उसके आसपास की जगह भी घूमनी होती है, तो उसके लिए हम अपना पूरा फुल बैग तो ले जा नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया नहीं है, ये हमारा फुल बैग है, पूरा रक्सैक बैग है, इसमें हम अपने पूरे ट्रैक का सामान लेकर जाते हैं। इसकी कैपेसिटी 90 लीटर है, इसी में मैं पूरा मेरा 25 kg के अराउंड जितना भी भार है वो सारे इसी में आएगा, इसी को लेकर मैं पूरा ट्रैक करूंगा। इसमें टेंट होगा, स्लीपिंग पैड होगा, स्लीपिंग बैग होगा। तो जब हम अपना टेंट एक बार लगा देते हैं तो आसपास घूमने के लिए हमें वो पूरा बैग ले जाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए हम एक डे पैक रखते हैं। वो छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट सा होता है, जिसमें हम अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, पानी, और अगर थोड़ी बहुत और कोई चीजें जैसे कैमराज और दवाई जो भी मतलब रखना है वो रख सकते हैं। ये मतलब ये भी एक जरूरी चीज हो जाती है। और दूसरी बात, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वहां ठंड होती है तो आपको एक स्वेटर तो रखना ही है। जैसे मैंने ये स्वेटर रख लिया है, काफी गर्म स्वेटर है, और 3 पेयर मैंने सॉक्स के रख लिए हैं, एक मैंने ये विंडशीटर रख लिया है, और कैप भी रख ली। ये मेरी, जैसे कि आप जानते ही होंगे, मेरी खानदानी टोपी है, ये बहुत ही अच्छी टोपी है, पूरा सिर कवर हो जाता है इससे। और अगर हमें और ऊपर जाना है तो वहां ज्यादा हवाएं चलती हैं, स्नोफॉल भी हो जाती है, तो उसके लिए हमें एक ज्यादा गर्म टोपी की भी जरूरत होती है, वो भी मैंने रखी हुई है, वो भी मुझे मिल नहीं रही। हाँ, ये रही, ये है, ये डबल लेयर है, अंदर से पला लेना है, ऊपर से उसमें ऊन लगी हुई है, तो ये काफी गर्म टोपी है, इससे आपके कान भी ढक जाते हैं। और उसके बाद हमें रात को सोने से पहले कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि रात को सोने से पहले हमें आसपास को पूरा मतलब हमने ऐसा जगह टेंट लगाना है कि बिल्कुल जहां प्लेन हो, वो हमारी स्पाइनल के लिए अच्छा होता है। और ऐसा देखना चाहिए कि हम पानी से थोड़ा पास ही रहें, ताकि अगर हमें पानी वानी का मतलब पीना हो, क्योंकि हम ज्यादातर हम एक बार टेंट लगाने के बाद आसपास ही रहते हैं, तो हमें पानी वानी पीने की ज्यादा जरूरत होती है, तो वहीं से भर लेते हैं। और हमें ऐसे स्नैक्स जरूर रखने चाहिए, जैसे ये स्नीकर्स हो गए, टॉफीज, जो हमें चलते चलते हमें एनर्जी देते रहें। तो फिर अब मैं 19 तारीख को यहाँ से मनाली के लिए निकलूंगा, यानी कल मैं मनाली के लिए निकलूंगा, और अगले दिन मैं सुबह 10:30 के करीब मनाली पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद मैं उससे अगले दिन, वहां से अगले दिन अपना 21 तारीख को अपना ट्रैक शुरू करूंगा। ये 4 दिन का ट्रैक है। तो चलिए, अब आपको बाद में मिलते हैं, अब मनाली पहुंचकर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।